नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। दो दिन पहले बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को झटका देते हुए पार्टी से और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उनके पीछे कई विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से ये कयास लगाना शुरू हो गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कई और करीबी विधायक बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी कड़ी में सुल्तानपुर की सदर सीट से बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा का भी नाम सामने आ रहा था। बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा ने प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का करीबी जरूर हूं, लेकिन बीजेपी का एक सिपाही हूं और मैं बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से पार्टी छोड़ी है तब से ही तमाम विधायकों की जो लिस्ट है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। दरअसल सुल्तानपुर से ये खबर सामने आई, जहां पर बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी को झटका दिया है और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उनके पीछे कई विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से कयास ये लगने शुरू हो गए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कई और करीबी विधायक बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी कड़ी में सुल्तानपुर की सदर सीट से बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा का भी नाम सामने आ रहा था। विधायक सीताराम वर्मा ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का करीबी जरूर हूं, लेकिन बीजेपी का एक और सिपाही हूं और मैं बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो सुल्तानपुर से खबर सामने आई, जहां पर एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी जो है वो बीजेपी में देखने के लिए मिल रही है। सम्मानित साथियों, 2017 में मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ बीजेपी में आया था। बीजेपी ने हमें पहले लम्हुआ से टिकट दिया और फिर जयसिंहपुर से हमें टिकट देकर आशीर्वाद देकर विधायक बनाया। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से जो पार्टी ने हमें सम्मान दिया और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का हृदय से आभारी हूँ। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के जाने कोई प्रश्न नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मैं उसका एक सिपाही हूँ, उसकी नीतियों इन कार्यक्रमों में मेरा पूरा विश्वास है। मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर जन समस्याओं के लिए संघर्ष करूँगा। रही पिछड़े और दलित के काम की बात, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के आधार पर काम कर रही है, जो हमारे युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब का सपना था। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें गौंडा सदर से रमा कश्यप को टिकट मिला है। वहीं प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के तहत गौंडा में महिला उम्मीदवार को टिकट दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी है और अब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के अनुसार वोटरों को लुभाने में जुट गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाकर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां जनता को गिना रही है। वही जौनपुर के शाहगंज नहर में जिला सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ के बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल ने शाहगंज नगर में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान लेकर जनता के बीच वो पहुंचे और जनता से रूबरू हुए हैं। आज हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों में बहुत खुशियां हैं। जो लाभार्थी हैं, देखिए सब लोग सामने खड़े हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं, उनसे उनके मन की बात पूछ रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की अगर समस्या हो तो आप ज़रूर उसको बताया जाए, क्योंकि लाभार्थी जो हमारे पास हैं, जो हमारी योजनाएं चली हैं भाजपा की, सभी हमें मिली हैं और ये भाजपा ने जो दिया है आप देख रहे हैं सब, इसमें जिसको जो मिला है, जो लाभार्थी चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे गैस योजना, सब ने पाया। आज हम लोग उन लोगों को विजय तिलक लगाकर उनको सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लाभ उठाया है और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। लोगों में जग रहा है कि भाजपा ने हमें वो सम्मान भी दिया है। औरैया के बिधुना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने बिधुना विधानसभा परिषद सीट से इस्तीफा दिया है। वहीं विनय शाक्य ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे का पत्र जारी कर दिया। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद से ही बीजेपी के विधायकों का लगातार इस्तीफा देना जारी है।
कांग्रेस पार्टी ने बरेली में कैंट विधानसभा सीट पर सुप्रिया अरविंद को लेकर बड़ा दाव खेला है। इस समय टिकट की घोषणा होने के बाद उनके कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा हो गया और इस दौरान उन्हें बधाइयां दी गई। वहीं इस मौके पर सुप्रिया ने कहा है कि वो अपनी बातों पर खरा उतरेंगी और क्षेत्र में चौमुखी विकास के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या को दूर भी करेंगी। मथुरा में विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोसी पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बता दें कि थाना कोसी क्षेत्र के गोपाल बाग की शाहपुर यमुना खादर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने 24 तमंचे, 315 बोर और एक बंदूक, 35 कारतूस के साथ मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद ही कम दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी से कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और सपा ज्वाइन कर ली। वहीं बीजेपी के मंत्री धर्म सिंह सैनी की पद से इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें सामने आई। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इनकी जानकारी दी है। बीजेपी के सभी मंत्री और विधायक सभा के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसएसपी सिटी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच और थाना रामपुर मनिहारन पुलिस की तरफ से होटल शाकंभरी देवी मालिक को बदमाशों की तरफ से गोली मारकर घायल करने और नवनिर्मित पेट्रोल पंप थाना ननौता क्षेत्र के अंतर्गत हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त तसव्वर और शोएब को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भी भेज दिया गया। अभी 8 जनवरी को एक ढाबा संचालक को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी थी, पैर में गोली लगी थी जिससे वो घायल हो गया था। उसमें कुल 4 बदमाश थे उस घटना में शामिल, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ढाबा संचालक की घटना से पहले ही उन्होंने एक चोरी की भी घटना की थी, उसका चोरी का माल भी बरामद हुआ है। इनके तमंचे आदि बरामद हुए हैं। ये अच्छे किस्म के बदमाश, मतलब इनका आपराधिक इतिहास है और इनके ये बड़ी तत्परता से इनका इन दोनों घटनाओं का खुलासा हुआ और इनकी गिरफ्तारी की गई है। जौनपुर में अपराध की घटनाएं चरम पर है। यहां लूट हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी बेखौफ हो गए हैं। शाहगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने धावा बंद मकान का ताला तोड़कर नगदी सहित लगभग 4 लाख के आभूषण चुरा लिए। वहीं चोरी की जानकारी होने पर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। काल रत कवरिया संघ के हम अध्यक्ष है। आई मंदिर बनवावे के चंदा 20-20 रुपया बटोर के इकट्ठा कर रहे थे तो मंदिर अब काल परसों हाथ में लगे था और 1,20,000 रुपया हम लोगन बटोर के धरे थे और वो पैसा ताला तोड़कर उठा ले गए और फिर हमारा परिवार रहते थे गए थे बम्बई और उसके बाद जेवर पताए वहाँ कपड़ा लगता था और पीछे कमरा तोड़ के पूरा सामान उठा ले गया। मामला ये आज सुबह 11 बजे जब हम आए गाड़ी निकालने तो मैंने देखा घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था और दोनों लॉकर भी टूटे हुए थे, जिसमें एक लॉकर में चंदे का पैसा रखा हुआ था 1,20,000 लगभग, तो वो भी नहीं है और घर के लॉकर में गहने थे वो भी नहीं है। क्या घर में परिवार रिश्तेदार नहीं रहते? नहीं, अभी फ़िलहाल इस समय यहाँ कोई नहीं रहता, हमारे पैतृक निवास पर रहते हैं। ये मकान वैसे ही अभी बंद पड़ा था। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर।
देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर ज्योतरागंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I am posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand, 11A Nimbuwala opposite RIMC Main Gate, Garhi Cant, Dehradun, मोबाइल नंबर 9319700579। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, मुझे ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे की डर भैया, तो अपने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी वहाँ जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड, तिलक चावला के साथ, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी में बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है इस आंदोलन में, बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। सहारनपुर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते जिले में अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल के अंदर अपर मुख्य सचिव ने COVID-19 के संक्रमण से बचने के सभी इंतजाम को बारीकी से चेक किया, साथ ही जिला अस्पताल प्रशासन को कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। COVID-19 की जो तीसरी लहर है, इसके दृष्टिगत अभी सहारनपुर में ज़िला अस्पताल और ज़िला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। ज़िला महिला अस्पताल में PM केयर में
लगभग 1000 लीटर पर मिनट का पीएसए प्लांट लगा है, उसमें एक जनसेट लगा हुआ है, एक अतिरिक्त 250 केवी के जनसेट की व्यवस्था 48 घंटे के अंदर करने के निर्देश सीएमएस को दिए गए हैं। वहाँ पर जो कोविड वार्ड बनाया गया है, उस कोविड वार्ड में अभी कुछ कमियाँ हैं, तो सीएमएस के अनुरोध पे जो वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ चल रहा है उसको मेल हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया जाएगा और वहाँ पर एक कोविड वार्ड फीमेल हॉस्पिटल का पीकू जो 50 बेडेड है उसके नीचे एक अलग से गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड वार्ड अलग से बनाया जाएगा। एक डेडिकेटेड कोविड ऑपरेशन थिएटर भी प्रसूता महिलाएं जिनको सिजेरियन की आवश्यकता होती है उनके लिए 2 दिन के अंदर क्रियाशील किया जाएगा। सीतापुर के थाना रेवसा इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई जहां पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या की खबर सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि व्यक्ति गुरुद्वारे में सेवा करने के लिए आया था लेकिन उसका शव खेत में मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम की तरफ से एक शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसएसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि सदर बाजार और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार किए गए शातिर वाहन चोर के कब्जे से पुलिस ने 11 मोबाइल फोन, चोरी की एक मोटरसाइकिल और एक चाकू भी बरामद किया है। थाना सदर बाजार पुलिस और हमारी एसओजी ने ज्वाइंटली एक बदमाश पकड़ा है मोहम्मद सैफी नाम का और इसके पास से कुल छीने हुए 11 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इसकी जो मोटरसाइकिल है वो भी उसका नंबर प्लेट गलत पाया गया, उसकी भी हम तहकीकात कर रहे हैं। इसकी जेब में चाकू भी मिला है और ये लगातार मोबाइल छिनैती की घटना कर रहा था, उसी में पकड़ा गया है। जो 11 मोबाइल बरामद हुए हैं इनके धारकों का, इनके स्वामियों का पता कर रहे हैं ताकि उनका मोबाइल उनके सुपुर्द किया जा सके। हमीरपुर में सदर विधानसभा 228 से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और जहां पर जोन के कोऑर्डिनेटर लाला राम अरिवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी सूचना दी है। बीएसपी से मौजूदा जिला पंचायत सदस्य राम दुलारी निषाद के पति रामफुल निषाद को बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। 2000 से लगातार पांचवीं बार मेरे परिवार में जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सरोली को जो उसमें प्रधान का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। 10 साल उस ग्राम पंचायत में मैं प्रधान रहा, 10 साल मेरी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान रही और 5 बार मेरी माँ प्रधान रही और इस समय मेरी पत्नी श्रीमती राम दुलारी निषाद जिला पंचायत सदस्य देहात से और माननीय बहन जी के निर्देश से मुझे विधानसभा हमीरपुर 228 सदर विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है। मैं माननीय बहन जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। राहुल जी, जैसे कि अब बीजेपी भी है, आपके सपा भी है, दोनों सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, आप क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप बीच में जाएंगे जिससे कि लोगों के बीच में आप विश्वास बना सके और बच्चों को यहाँ से जिता सके? मेरा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल और इंजीनियरिंग और कृषि पर है, क्योंकि यहाँ अस्पताल व्यवस्थाएँ तो बहुत हैं और सुयोग्य डॉक्टर नहीं हैं। बिजनौर के नजीबाबाद पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जिसमें से एक बाल अपराधी है। वहीं बताया जा रहा है कि तीनों चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं जो जिले भर में चोरी की कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नजीबाबाद पुलिस द्वारा स्थानीय 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें शोएब और बिलाल, एक बाल अपचारी है और एक फरार हो चुका है। इनके द्वारा कुल 5 घटनाओं का अनावरण किया गया है जिसमें से नजीबाबाद की 2 चोरी, धामपुर की 2 चोरी और 9/11/21 को एक चेन स्नेचिंग हुआ था, लूट का अभियोग पंजीकृत था धामपुर में, वो भी वर्कआउट हुआ है। चोरी के पैसे से इन्होंने जो मोटरसाइकिल खरीदा था
वो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। तो इस प्रकार सोने चांदी के जो जेवरात हैं, मोटरसाइकिल कीमत लगभग 8 लाख रुपए के साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। अमरोहा में ठंड का सितम जारी है। पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड बढ़ गई है। वहीं शीतलहर के बाद सुबह घना कोहरा देखने को मिला है। शीतलहर के चलते प्रशासन ने भी गरीबों की कोई सुध नहीं ली, ना कोई अलाव का इंतजाम किया, ना ही गरीबों को कोई रजाई का वितरण या कंबलों का वितरण किया गया है। बरेली की एक मुस्लिम लड़की ने अपने घर में दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी नेत्री मीनाक्षी चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी नेत्री हिंदुवादी संगठन भी चलाती है। बता दें कि बरेली की युवती ने मीनाक्षी चौहान पर अपने घर में अपने भाई से दुष्कर्म कराने और दुष्कर्म का वीडियो बनाकर धमकी देने का आरोप लगाया था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।